फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सविता और आप देख रहे हैं सविताज क्रिएटिविटी एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ पर्चुला का और पर्सुलेन को कैसे अगले सीजन के लिए रखा जाता है ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इससे पहले देखिए दोस्तों, मेरा गुलाब कितना अच्छे से ब्लूम हुआ है। ये कलर चेंज करता है और ये है येलो कलर, और ये देखिए ये ग्रामफेना है। तो चलिए दोस्तों, पर्चुलाका को कैसे रखा जाता है अगले सीजन के लिए ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा सब पर्चुलाका और पर्सुलेन। मैं जैसे रखती हूँ दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। पहले चलिए हम कटिंग्स कलेक्ट करते हैं, एक एक कलर का कटिंग्स लेते हैं और उसका टिप्स ही लेना चाहिए दोस्तों। देखिए ऐसा टिप्स, पर्चुलाका का ओनली टिप्स ही मैं रखूंगी। मैं पॉलीथीन में हमेशा दोस्तों ऐसे पॉलीथीन में देखिए रखती हूँ। आप चाहे तो गमले में भी रख सकते हैं। ऐसे अलग अलग कलर का एक एक साथ कटिंग्स लेंगे। ये पिंक कलर का और ये येलो कलर का। ऐसे टिप्स ही लेना चाहिए, अलग अलग रखेंगे अलग अलग कलर का। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास जितने भी कलर था वो कटिंग सब ले आई। ये लाइट पिंक कलर देखिए, और ये येलो कलर, ये व्हाइट कलर। व्हाइट कलर मेरे पास बहुत कम है। और ये देखिए, ये मैजेंडा कलर और ये रेड कलर, कितना सुंदर दिख रहा है नहीं? इसका हम लगाएंगे इस पॉलीथीन में, एक एक कलर एक एक पॉलीथीन में। इसको देखिए थोड़ा ऐसे कुड़ाई कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी। बहुत फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे कि पर्चुला का हमारा चलता नहीं है, फूल भी खिलता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है, जहाँ भी इस प्लांट्स को लगा देंगे ये खिलता है। मुझे लगता है आपका प्लांट्स में फूल नहीं खिल रहे हैं, इसका मतलब मुझे लग रहा है आप ज़्यादा पानी दे रहे हैं या शेडी प्लेस में आप रखते होंगे, इसीलिए आपका प्लांट्स में फूल नहीं खिल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, पर्चुलाका को पूरा फुल सनलाइट चाहिए, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। पानी समर सीजन में एक बार जरूर देना चाहिए। देखिए मेरा मिट्टी रेडी हो गया, इसमें मैं होल करूंगी। कटिंग्स में फूल या कलियां हो तो भी दोस्तों चलेगा, कुछ नहीं होगा। जितने भी आप ये कलियां दिख रहे हैं, ये सब यहाँ खिलने भी लगेगा और खूब सुंदर भी दिखेगा। कुछ कुछ पत्ते नीचे का निकाल दीजिए और इस होल्स में दबा दीजिए।
मैं सब पॉलिथीन में लगाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हो गया है दोस्तों मेरा कटिंग्स लगाना। देखिए ऐसे पॉलिथीन में ही मैं लगाती हूँ। और एक बार दोस्तों मैं ज़्यादा कटिंग्स लेके लगा रही हूँ। आपके पास एक एक कम कटिंग्स है तो एक एक लगाने से भी चलेगा। और गमले हैं, गमले में भी आप लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही हर साल लगाती हूँ दोस्तों, और मेरा अच्छे से खिलता भी रहता है हमेशा और सुंदर भी दिखता है। और मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स है, इसीलिए मैं ज़्यादा कटिंग्स लेके पूरा भर के लगा रही हूँ, क्योंकि अब एक महीना सुंदर भी दिखेगा, कलियाँ भी बहुत सारे हैं, खिलेगा तो बहुत सुंदर भी दिखता है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग भी इस महीने टाइम्स हो गया है कटिंग्स लगाना, आपके पास जितने भी कलर है ऐसे लगा लीजिए, अगले साल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद इसके ऊपर मैं पानी दे दूंगी। ये देखिए ये पर्सुलेन है, ये येलो कलर का पर्सुलेन, ऐसे ही पानी देने के बाद आज एक दिन मैं शेडी प्लेस में रख दूंगी, फिर फुल सनलाइट में रखूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्डनिंग करें, खुश रहें। बाय।